गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं विसरण के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि कल इम्बाइबेशन वाला वीडियो आपको समझ आया होगा, आपने अंतःश्वसन के बारे में पढ़ा होगा और वो वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं या हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में, विसरण यानी कि डिफ्यूजन के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है बेटा कि डिफ्यूजन क्या है यानी कि विसरण क्या है। इसके छोटे छोटे से एग्जाम्पल समझाती हूँ तुमको, है ना। और विसरण का मतलब हुआ बहुत सिंपल सा कि तुम्हारे घर में मान लो दो कमरे हैं, ठीक है, और एक कमरे में किसी ने भगवान जी की पूजा करी और वहां पे अगरबत्ती जला दी, ठीक है। और आप तक अगर हम बात करें कि वहां पे अगरबत्ती जली है लेकिन जो खुशबू आ रही है वो आप तक आ रही है। क्यों आ रही है? विसरण की वजह से, यानी कि डिफ्यूजन की वजह से। बेटा जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन का अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूं कि हमारे आसपास जो है बहुत सारे वायु के कण हैं, मानते हो ये चीज, हमारे आसपास बहुत सारे वायु के गैसियस या वायु के पार्टिकल्स हैं इसके हमारे आसपास। तो अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे सेंट लगाई, ठीक है, तो उस एरिए के अंदर स्मेल आएगी, समझ में आ रही है। तो यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, जो अणु हैं, वो गति कर रहे हैं। याद रखना, वायु के अणु जो होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। उनकी गतिज ऊर्जा यानी कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब जहां पे अणु ज्यादा है और जहां पे अणु कम है, वहां से वहां की तरफ वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। और इसी वजह से ये जो फिनोमिना है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, ठीक है। और चीज बोलूं, एक बात बताओ, तुमने घर में कभी पानी फैलाया है? डेफिनेटली फैलाया होगा कि ग्लास गिर गया, पानी एक जगह नहीं रहता, या तो ग्लास में रहेगा या बॉटल में रहेगा। लेकिन अगर वो फैल जाए, इमेजिन करो, लेकिन अगर वो फैल जाए, फैलने के बाद क्या होगा कि उस पूरे एरिया के अंदर पानी ही पानी हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पानी के अंदर भी प्रवृत्ति है किसकी, विसरण की। समझ में आ रही मेरी बात? तो बेटा विसरण क्या होता है कि अगर कोई भी अणु जो है वो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, ठीक है। और हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या डाला, पानी डाल दिया, ठीक है। ये क्या लिया, वाटर, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या लिया, पानी लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या डाल, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई कलर डाल दिया, चलो कलर भी छोड़ो, मैंने यहाँ पे डाल दिया कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, कॉपर सल्फेट के कण है, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि पहले तो वो यहाँ पे रहेगा कॉपर सल्फेट, धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो सारे बीकर के अंदर फैल जाएगा, यानी कि कॉपर सल्फेट के जो मॉलिक्यूल है वो पूरी जगह पे क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोल रहे हैं, विसरण बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात कि भाई क्या, अगर मैंने एक काम किया, मेरे पास एक पानी की बाल्टी रखी है, ठीक है, उस पानी की बाल्टी में मैंने थोड़ा सा कलर डाल दिया, पूरी बाल्टी के अंदर वो कलर फैल जाएगा। कैसे फैल जाएगा? क्योंकि कलर अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेगा, ठीक है। तो इसी चीज को अगर हम बात करें तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विसरण बोलते हैं। अगर हम विसरण की बात करें तो समझना है इस चीज को कि किसी भी अणु की अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गति है, इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, विसरण बोल रहे हैं। हाई कंसेंट्रेशन यानी कि आपकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, यानी कि ये जो प्रोसीजर है ये एक नेचुरल प्रोसीजर है जो कि होता है, हमारे सराउंडिंग में होता है। तुम्हें मालूम है कि जो हवा चलती है, हवा भी इसी की वजह से चलती है। दो चीजें होती हैं, एक तो होती है पवन और एक होती है एयर, एक होती है विंड, जो कि हम बोलते हैं कि बहुत तेज हवा चल रही है। क्यों चलती है? आप लोगों को पता ही है कि हमारे चारों तरफ क्या है,
हमारे चारों तरफ एक तरह का वायुमंडल है ना। और हमारे चारों तरफ वायुमंडल होने की वजह से अगर हम बात करें, हमारी बॉडी के ऊपर हमेशा एक प्रेशर लगता है, हमेशा एक दाब लगता रहता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, वायु का एक गुण होता है कि भाई अगर वो गर्म करे तो वो कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज एक बार नोट करी होगी कि सुबह के वक्त या शाम के वक्त हवा चलती है, क्यों चलती है समझना। अब जैसे ही सुबह होती है तो सूर्य की किरणें आती हैं, गर्मी आती है, तो एक तरफ हवा कैसी हो जाएगी, हल्की, और एक तरफ कैसी हो जाएगी, भारी। तो वायु दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, एक तरफ वायु दाब कम होगा, एक तरफ वायु दाब ज्यादा होगा, और उसी को मेंटेन करने के लिए क्या चलती है, हवा चलती है। समझ में आ रही मेरी बात, मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि जो विसरण होता है, विसरण की जो प्रवृत्ति होती है, विसरण के अंदर क्या हो रहा है कि हमेशा मॉलिक्यूल्स या अणु जो होते हैं वो हमेशा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, ठीक है। इसी चीज को हमने क्या नाम दिया, विसरण नाम दिया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि इन अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि उनकी जो गति है, जो काइनेटिक ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब जो इनकी गति है इसको कोई निर्धारित गति नहीं होती है, ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, या यहाँ भी जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन के अंदर ये क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। और इसी चीज को अगर हम बात करें, यही चीज क्या कहला रही है, विसरण कहला रही है। समझ में आ गई। चलिए, अगर हम एक नॉर्मल सी चीज मैं बोलूं आप लोगों से कि विसरण जो होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है, वो होता है हाई जो होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैसेस में होता है, क्योंकि इसके अणु जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, और इनके अणुओं के दूर दूर होने की वजह से ये जो विसरण है, ये जो क्या कहते हैं आपका डिफ्यूजन है, हाईएस्ट होता है गैसों में, फिर उसके बाद होता है वाटर। चलो मैं वाटर का एग्जांपल नहीं ले रही, मैं नॉर्मल से बात कर रही हूँ किसी भी लिक्विड के अंदर, ठीक है, यानी किसी भी तरल में। अच्छा, और सबसे कम होता है ठोस यानी कि सॉलिड के अंदर। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ठोसों के अंदर भी विसरण हो सकता है। कैसे हो सकता है इस चीज को समझो, मैंने क्या लिया, कॉपर लिया और आयरन लिया। दोबारा बोल रही हूँ, मैंने क्या लिया, कॉपर लिया और आयरन लिया, एक तरफ कॉपर एक तरफ आयरन दोनों को मिला दिया, ठीक है, और उसको लगभग एक साल तक ऐसे ही साथ में रखा रहा, ठीक है, उनको मैंने साथ में ऐसे ही रखा रहा, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद में आप देखोगे, कुछ टाइम बाद मतलब साल दो साल बाद, क्योंकि ठोसों में विसरण की जो दर होती है वो सबसे कम होती है, तो साल दो साल के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक बीच में एक लेयर, जब एक लेयर बन जाएगी जहां पे कॉपर के मॉलिक्यूल कहाँ जा रहे होंगे, आयरन की तरफ, और आयरन के कहाँ जा रहे होंगे, कॉपर की तरफ जा रहे होंगे। तो ये वाली चीज जो है, इसी चीज को हमने क्या नाम दिया, इसी चीज को हमने नाम दिया क्या, विसरण नाम दिया। क्लियर, समझ में आ गया विसरण क्या होता है। चलिए, विसरण जो होता है हमेशा एक प्रेशर लगाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन प्रेशर बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है समझना। एक बहुत सारी भीड़ है, एक फुटबॉल का मैदान है, या कोई सी भी, चलो एक फुटबॉल का मैदान छोड़ो, हम लोग ना रावण को देखने गए हैं, ठीक है, रावण दशहरा चल रहा है और रावण को देखने गए हैं। अब एक बात बताओ कि वहां पे रावण चल गया, ठीक है, रावण के चलने के बाद क्या हुआ कि भाई ठीक है सब अपने अपने घर जाएंगे, एकदम से भीड़ हो जाती है, हो जाती है भीड़, पहले सारे सारे जगह खड़े होंगे और एकदम से सारे के सारे कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। तो बेटा समझना इस चीज को, जब एकदम से वो बाहर निकल रहे हैं, समझो इस चीज को, तो एक दूसरे से धक्का मुक्की करेंगे, है ना। तो वही चीज यहाँ विसरण के साथ हो रही है, समझो इस बात को कि भाई यहाँ पे बहुत सारे अणु हैं, यहाँ से
यहाँ की ओर जाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर लगा रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं और आगे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। और यही चीज क्या कहलाती है, डिफ्यूजन प्रेशर लगा कहलाती है, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलते हैं विसरण दाब, ठीक है। विसरण दाब क्या होता है कि जब भी विसरण होता है, दोबारा बोल रही हूँ, विसरण दाब का मतलब क्या होता है कि जब भी विसरण होता है तो विसरण के दौरान में क्या होता है कि जितने भी अणु होते हैं अपनी अधिक सांद्रता से जब कम सांद्रता की ओर जाते हैं तो ये हमेशा क्या लगाते हैं, एक प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। एक तरह का एक दाब लगता है, एक तरह का प्रेशर लगता है, ठीक है। उनको मैंने बताया ना कि हम किसी भीड़ में खड़े हैं और एकदम से बोल दिया जाए कि भाई भागो, यहाँ पे बम है या कुछ और है, या ठीक है जो तुम देखने आए थे, रावण को देखने आए थे, काम हो गया, तो अब भीड़ को सब्र नहीं होगा, वो क्या करेगी, वो मूव करेगी। अब वो कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा है, कम कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, तो थोड़ी ही देर के अंदर भीड़ जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, अलग अलग हो जाएंगे सब लोग, तो उस टाइम पे प्रेशर जनरेट होगा ना, और उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी प्रेशर को हम लोग डिफ्यूजन प्रेशर बोल रहे हैं, यानी कि विसरण दाब बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, विसरण दाब को लेके यहाँ पे एक रूल दिया गया जिसको हम बोलते हैं ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि ग्राहम का नियम बोलते हैं हम इसे विसरण का, जिसके अनुसार डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी, ठीक है। यानी कि जो डिफ्यूजन है, यानी कि जो विसरण है, वो घनत्व के स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। घनत्व जानते हो ना क्या होता है, ठीक है, घनत्व के क्या होता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो ये ग्राहम का रूल है, और डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, ठीक है। एम क्या होता है, मास, और वी क्या होता है, वॉल्यूम। इसको हम घनत्व यानी कि डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी को समझाने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल यूजुअली देती हूँ बच्चों को, तो वही एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि तुम लोग आपस में लड़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब किसी ने लड़ाई में 1 किलो का तकिया फेंक के मारा, नहीं लगेगी, लेकिन दूसरे ने क्या किया कि भाई 1 किलो का जो लोहे का बाट है वो उठा के फेंक के मारा, किसके लगेगी, बाट वाली लगेगी कि रुई वाले तरीके की लगेगी, नेचुरली बाट वाली भी लगेगी। तो भाई एक बात बताओ, अब जो बाट है वो इतना सा है, तो मॉलिक्यूल सारे कैसे हैं, जो अणु है वो पास पास में है, ठीक है। एक कम एरिया के अंदर ज्यादा मास है, ठीक है, और रुई में सारे अणु जो है वो कैसे है, वो पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर है। उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, घनत्व बोल रहे हैं। एक निश्चित एरिया के अंदर कितने अणु उपस्थित है वही चीज क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है। तो ग्राहम के रूल के अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये जो डिफ्यूजन है, ये जो विसरण है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसके अंडर रूट ऑफ डी की, यानी कि डेंसिटी के। तो बेटा ये जो है, अगर हम बात करें कि जो है, इसका मतलब क्या हुआ, इस रूल का मतलब क्या हुआ, इस रूल का मतलब बहुत छोटा सा हुआ कि भाई अगर मॉलिक्यूल जो है, अणु जो है, उनका मास ज्यादा होगा तो उनका विसरण भी कम होगा। समझे इस चीज को, कि भाई अगर उनका मास यानी कि उनका वेट ज्यादा होगा, उनका मास ज्यादा होगा तो उनका विसरण भी कैसा होगा, कम होगा। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने दो चीजों को फैलाया, किसको फैलाया, एक तरफ मैंने पानी फैलाया, एक तरफ मैंने शहद डाला, शहद का मास ज्यादा है बजाय पानी के, हाया ना, शहद का मास ज्यादा है बजाय पानी के, तो शहद जो है वो जल्दी से क्या करेगा, मूव करेगा, आगे चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन पानी जो है वो जल्दी जल्दी क्या करेगा, मूव करेगा। तो यही यही रूल क्या कहता है, ग्राहम भी यही कहते हैं, वो ये कहते हैं कि किसी अणु का भार अगर ज्यादा है तो उसके विसरण की जो दर होगी वो दर भी कैसी होगी, हमेशा कम होगी। समझ में आ गई बात, तो जो दर है वो हमेशा विसरण की कम होगी अगर यहाँ पे उसका घनत्व या उसका मास जो है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके विषय में और बात करें। हाँ जी बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं इसका सिग्निफिकेंस।
नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसका सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व। अब इसका महत्व क्या है? पहला महत्व, आप लोगों को पता है कि जब भी जो गैसों का एक्सचेंज होता है, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण हो या फिर क्या हो, श्वसन हो, यानी कि प्रकाश संश्लेषण व श्वसन में, समझना, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में एक्सचेंज होता है गैसेस का। फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और इसमें हमें क्या चाहिए? इसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो बेटा यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है गैसों का, उस एक्सचेंज के लिए क्या जरूरी है? विसरण जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो सॉल्ट होते हैं, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम रसारोहण बोलते हैं, कि जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधों के अंदर जब वाष्पोत्सर्जन होता है तभी जो मूल होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो क्या करती हैं? एक प्रेशर जनरेट करती हैं जिससे जो पानी है वो कहाँ आता है? अंदर की तरफ आता है, यानी कि पौधों के अंदर आता है। तो ये सेकंड इसका जो विसरण का वो है, क्या कहते हैं, जो उपयोग है वो ये है कि जब ट्रांसपिरेशन के थ्रू, जो वाष्पोत्सर्जन के थ्रू यहाँ पे जब पानी बाहर निकलता है गर्मियों के अंदर, तभी यहाँ पे पानी जो है वो पौधों के अंदर आता है, क्योंकि बाहर जो है पानी का अमाउंट ज्यादा है और पौधों के अंदर पानी का अमाउंट कम है। तो विसरण के द्वारा पानी कहाँ आ रहा है? पौधों के अंदर आ रहा है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे कि अगर मैं ये बात करूं कि जो ट्रांसलोकेशन यानी कि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के अंदर क्या होता है? भोजन होता है जो अलग अलग कोशिकाओं के अंदर भेजा जाता है। तो यानी कि जो एक्सेस अमाउंट में जो फूड है, यानी कि जो भोजन है, उसको दूसरी कोशिकाओं के अंदर डाला जा रहा है। तो वो भी कैसे डाला जा रहा है? विसरण के द्वारा डाला जा रहा है। तो तीन इसके फायदे हो गए। पहला क्या हो गया कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में, दूसरा ट्रांसपिरेशन के अंदर, और तीसरा मैंने क्या बोला आप लोगों को, ट्रांसलोकेशन। तीसरा जो है वो है ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, समझ लो इस चीज को, कि भाई पत्तियों ने खाना बनाया, वहां से फ्लोएम शुरू हुआ, लेकिन वो खाना रूट को भी तो चाहिए ना, तो एक्सेस अमाउंट, भाई उसके पास खाना है, उसके पास नहीं है तो वो उसको दे देगा, तो वो चीज क्या कहलाए? विसरण कहलाए। समझ में आ गई बात? तो इसी को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो ट्रांसलोकेशन आप लोगों को समझ में आ गया कि इस तरह से ट्रांसलोकेशन होता है और पौधों को खाना मिलता है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने क्या कहा था कि ट्रांसपिरेशन पुल बनता है जिसकी वजह से पानी जो है वो पौधों के अंदर आता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, इवापोरेशन के थ्रू, यानी कि जो पानी है वो अंदर की तरफ आ रहा है पौधे के। तो आज मैंने बताया आप लोगों को बेटा विसरण के बारे में। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ओके, थैंक यू।